वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदवन मनोहर वाचाकुवश कृपा सिंधु पतिता पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव बृंदावी तुलसीदेव्या वै केशव कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वी नमो नम नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वर धैर्य सदा परिभवनमीष्टदूहम तीर्थास्पद शिव विरचन तम शरण वीतातिहम वनतपालभवद्भूत वंदे महापुरुष ते चरणारविंद यत्पादपल्लवन खचंदमनि छटाय विस्फुरजित किमपि गपोवधू शिवदर्श पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति चाराधिका मयि कदा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकेतनैकपितरो कमलायताक्ष विशांबरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनितं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविशीतवामभागम् नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य लक्षवक्षसि यस्यास्ति हृदय संभी त्वं सिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
अतो दुस्संगमुत्सृज्य सस्व सज्जेत बुद्धिमान संत एव अस्य चिन्तयन्ति मनोव्यासंगम उक्तिः। अतः दुस्संगमुत्सृज्य सस्व सज्जेत बुद्धिमान संत एव अस्य चिन्तयन्ति मनोव्यासंगम उक्तिः। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु टोल, साधु संग से बढ़कर, साधु संग से बढ़कर मंगलजनक क्रिया और होता नहीं। साधु संग से बढ़कर मंगलमय क्रिया और कुछ नहीं। आत्मा मन और शरीर, ये देह शरीर तीनों का अंदर में क्या भेद है, इसका बारे में प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया। प्रभुपाद, आत्मा मन और ये जो देह शरीर है, इस बीच में क्या विशेष भेद है? लगता है तो एक जैसा है। प्रभुपाद जी ने कह रहे हैं, शास्त्रों में आत्मा मन और शरीर इसका बारे में बहुत चर्चा हुआ है। प्रकृति पुरुष का बारे में सांख्य शास्त्र में बहुत सारे व्याख्या किया हुआ है। ये शास्त्रों में जो आत्मा मन और शरीर के बारे में बताया गया, ये आत्मा है, चित कण है, और ये जो मन है चिदाभास। भक्तिविनोद ठाकुर भी बहुत बार इस बारे में चर्चा किया। मन को चिदाभास बोला गया। मन का अस्तित्व समझना मुश्किल है, क्योंकि कैसे पकड़े मन को, लेकिन अनुभव किया जाए। मन ये जड़ शरीर का साथ संबंधित है, इसलिए जड़ मन है। और ये मन जब चिन्मय बन जाए, आत्मा का स्वरूप को उपलब्धि करे, उस समय ये मन बेईमानी नहीं करेगा। उद्धरेत आत्मनात्मनम न आत्मन नैव अवसारयेत। अंग्रेजी में एक बात है, God helps them, those who help themselves। यद्यपि एक नहीं है, फिर भी गीता का ये श्लोक ऐसा ही जैसा करीब करीब। आत्मा मन और शरीर इसका बारे में बताया शास्त्रों। ये आत्मा तो चित कण है, बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन मन का बारे में ये भावना जरूरी है। शास्त्र में बताया गया चिदाभास, चिन्मय नहीं है लेकिन चिदाभास। जैसे नाम नामाभास है, नाम नामाभास है, ऐसा माफी। और शरीर जो है वो तो जड़ है, ये सब कोई जानता है, पांच भूत का बना हुआ। इस शास्त्रों में ये तीन विशेष विषय कर रेस्पेक्टिव जो भेद है और उसका सूक्ष्म विश्लेषण भी किया गया। और हमारा जो चर्चा का विषय चल रहा है अभी, ये 13वां अध्याय में क्षेत्रों का क्या विकार है, कैसे जाना जाए, सारे ये सब इसी अध्याय के अंदर चर्चा हो पाएगा। आत्मा देहो और मन रूप सत्व का अधिकारी है। ये जो देहो और मन है, ये आत्मा का संपत्ति है, लेकिन मन को इस बारे में पता नहीं। मन तो मनमानी करता है। आत्मा ये जो है, ये आत्मा जो है हमारा अंदर में, जो आत्मा है चिदात्मा, ये आत्मा
त्यो ये जो हमारा शरीर है और मन रूप सत्व का अधिकारी वो है। मन और आत्मा देहो मन आत्मा का संपत्ति है और ये जो आत्मा है चिदात्मा हमारा अंदर में है चित्कण चित पार्टिकल ये परमात्मा का संपत्ति है। देहो ये शरीर और मन आत्मा का संपत्ति है और हमारा जो आत्मा है जीवात्मा है अंदर में ये परमात्मा का संपत्ति है। और आत्मा का दो किस्म का शरीर बहुत बार सुन चुके हैं। एक तो है ये जड़ शरीर है उपाधि उपाधि शरीर और एक सूक्ष्म शरीर है उपाधि रूप मन। अंतर आत्मा का जो गठन है इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये है। लेकिन अभी ये चर्चा का विषय है आत्मा का दो दो देहो व उपाधि आत्मा का दो शरीर व उपाधि है। एक सूक्ष्म उपाधि रूप मन है और स्थूल उपाधि ये जो शरीर है और ये जो बाहर का शरीर है मोटा शरीर है ये हर कोई जानता है पंचभूत का और परमाणु का समष्टि। जलाने का बाद जितना सारे एलिमेंट था मेरा शरीर में केमिस्ट्री में जितना सारे एलिमेंट है सारे शरीर में है कम और ज़्यादा वो तो है ही है सारे। और मरने का बाद जलाने का बाद सब अपना अपना पोजीशन में चला जाता है। जल का अंश जल में चला जाता है पानी खेती का मिट्टी का धीरे धीरे सब अपना अपना जगह में चले जाते हैं। पंचभूत बा ये परमाणु का समष्टि ये माना जाए। ये अंतर देहो व मानसिक देहो जो है ये अंतर देहो जो है हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार विशेष करके मन का ही चर्चा हो रहा है इधर। ये अंतर देहो व मन जो है ये हमारा स्थूल शरीर मोटा शरीर का ड्राइवर है चालक है वो चला रहा है। आत्मा बद्ध अवस्था में मन के द्वारा विजातीय संपत्ति का साथ संश्लिष्ट हो अटैच हो गया। एक्चुअली आत्मा का साथ ये जड़ शरीर मन का कोई ताल्लुका है नहीं लेकिन बद्ध अवस्था में ये हुआ है। आत्मा सुप्त है अर्थात आत्मा का जागृति होना चाहिए जिसका बारे में उपनिषद में मैं चर्चा किया था। उत्तिष्ठ तो जागृत प्राप्त वरान निबोध तो खुरस्व धारा निशीतया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। कवयो कवयो मना जो ज्ञानी व्यक्ति आत्मविद गण कवयो कवि का बहुवचन है कवयो लेकिन ये कवि मतलब कविता लिखने वाले ये नहीं। ये कवि का शास्त्र में माने हैं कवि मतलब जो भूत भविष्यत वर्तमान सब अनुभव करते हैं जिसका तत्वज्ञान के बारे में पूरा अनुभव है इसी को ही बताया गया आत्मविद जो है इसका बारे में बताया गया। उत्तिष्ठ तो जागृत हो प्राप्त वरान निबोध तो खुरस्व धारा निशीत है या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती तत् कवयो बदंती। ये विषय में कवयो अर्थात आत्मतत्वविद बन कहते हैं हो जीवात्मा तुम ऐसे मुर्दा पड़ा हुआ है अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ है चेतना का जागृति जरूरी है। चेतना का जागृति जब तक ना हो ये कुछ नहीं होने वाला। मेरा ये तिलक माला आदि जो कुछ भी कर रहा है
कुछ नहीं होने वाला जब से ये अनुभव ना हो। ये एक बात किसी को समझ में नहीं आ रहा है। माया देवी इतना कठोर है, इतना प्रभावशाली है, दुनिया को पूरा मजा चका रहा है पूरा। कवयो वदंती, ये संसार अनित्य है और बड़ा रिक्सी है, बड़ा रिक्स है, पल पल में मुसीबत है, जिसको उपनिषद में तुलना किया गया जस्ट लाइक वॉकिंग ओवर ए शार्प एज नाइफ। एक खुरधार बड़ा एकदम तेज एनो, एक छुरी, एक शॉर्ट शार्प एज्ड शॉर्ट, इसका ऊपर से कोई चलना चाहे तो उसका लिए क्या हो सकता। एक आदमी अगर शॉर्ट बड़ा फाइन शॉर्ट इसका ऊपर से चलने का कोशिश करे, ये जैसा रिक्स है इसमें, रिक्स मतलब मर जाएगा कटेगा, यूं समझ लो कि संसार में चलना भी ऐसा, इससे ज्यादा खतरा, इससे ज्यादा खतरा। ये संसार जो है इससे ज्यादा खतरा। कब कैसे क्यों कौन सी मुसीबत आ जाए, क्यों आ जाए कोई पता नहीं। श्रील बामन गोस्वामी महाराज कहते थे बोबा का, पहले कहते थे बोबा का भी शत्रु है। बोलते थे आदमी कहते हैं कि बोबा का कोई शत्रु नहीं, बोबा का भी शत्रु है, कोई कुछ नहीं करे खमा का पीछे लग रहा है। क्या करे, ये जीवन जिंदगी ऐसा ही है, रिक्स बड़ा रिक्स है संसारी। और आईएएस आराम से जिंदगी गुजारने का कोशिश कर रहे आदमी, बैंक में डिपोजिट है, एसी डीसी है, सब कुछ है, कार है, लेकिन जिंदगी का मजा कहाँ है। कोई कह सकता है कि मैं जिंदगी का मजा ले लिया, जड़ जगत का जो एंजॉयमेंट उसका मजा लिया, लेकिन जिंदगी का जो मजा है ये भक्ति में ही होता है। जिंदगी का जो मजा है, आनंद है, ये एकमात्र भक्ति के द्वारा ही हो सकता है, और दूसरा कोई चारा रास्ता है नहीं। उपनिषद में ये बताया है उत्तिष्ठतो, क्या सोया हुआ है, बोले हाँ सोया होता है, सारे सोया हुआ है, इसलिए उपनिषद कहते हैं कि उत्तिष्ठतो, उठो जागो, जागृति चाहिए। और सारे आदमी मुर्दा जैसा चलता फिरता लाश, मोबाइल लाश, ये शरीर को चेतना नहीं बोला जाता है, ये इसका चेतना का लक्षण नहीं है। चेतना का प्रभुपाद कहते हैं चेतना का उत्सव तो तब होता है, चेतना का उत्सव तो तब होता है जब महान गुरु वैष्णव का संग में हरि कथा कीर्तन करो, सेवा करो, रहो, सेवा का वृत्ति का जब उन्मेष हो जाए तो उसको चेतना सब बोला जाए। इंटेलेक्चुअल समाज में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में या तो जादवपुर यूनिवर्सिटी ये सब जाएगा, शांतिनिकेतन में इंटेलेक्चुअल आदमी वो सब बसंत उत्सव मनाता है। हम सुन के तो बड़ा हंसा है, बड़ा बसंत उत्सव, क्या चीज है ये बसंत उत्सव, बोले ये बसंत उत्सव अलग सा चीज है, बड़ा नित्य कीर्तन बस करता है, उसको बसंतों को स्वागत करता है छागल जैसा। हमारा काम यह है, बसंत उत्सव करना मेरा काम नहीं है, हमारा हम लोगों का काम है चेतना का उत्सव करना, चेतना का उत्सव करना, जैसे सेवा का एक माहौल बन जाए, आनंद से सब झूम पड़े, एक एक अपना अपना हिसाब से सेवा करे गुरु वैष्णव का अनुगत्य में। हरिकथा श्रवण कीर्तन तो सबसे टॉप मोस्ट है, क्योंकि बिना हरिकथा हरिकीर्तन
मठ में रहना, भजन करना, जो कुछ भी करो सब फजूल है। जीव गोस्वामी बाद में शास्त्रों में बता दिया, लिखा है, यद्यपि दूसरा अंग भजन का जो अलग अलग सब अंग है, यद्यपि ये सब अंगों को साधन करना है, करने के लिए कोई सुयोग आया, लेकिन संकीर्तने नैव क्रियेत, क्रियेत संकीर्तने नैव, रसोई करे तो संकीर्तन, मन में अंदर में संकीर्तन करो, हर वक्त संकीर्तन चले, ये चेतना का उत्सव है। गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम का सेवा जो है, सेवा को जो ये जो इच्छा, सेवा का जो भाव है, इसी को चेतना का उत्सव माना जाए। हम लोग तो अचेतन का जो उत्सव मना रहे, तो इस बारे में एक्चुअली बताया गया कि ये जो मालिक जो है, उपनिषद में बताया गया चेतना को जागृति करने का देवी जागरण करता है, ये आएगा ना दुर्गा पूजा आदि, देवी जागरण, अपना जागरण हुआ नहीं, वो देवी जागरण करने के लिए दौड़ रहा है, देवी जागरण, अच्छा बात है, चलो अपना जागरण का कोई ध्यान नहीं है, तो ये चलता फिरता मुर्दा है। सेवा में जब तक भाव ना आए, मन ना लगे, तब तक हमारा सारे चीज बेकार है। इसीलिए हरिकथा कीर्तन सुनना जरूरी है, चाहे चाहे खाना भूल जाओ, चाहे खाना भूल जाए, गुरुवार को बोलते थे चाहे खाना भूल जाओ, ठीक है खाने में आज याद नहीं, लेकिन हरिकथा कीर्तन में सुनने में भूल गया, ये तो बड़ा मुश्किल है। आत्मा सुप्त है, जिस बारे में अभी उपनिषद में बताया, उत्तिष्ठत जागो, और ये उपनिषद में श्लोक में बताया, अरे मुर्दा का मैं भी पड़ा हुआ है किस लिए, उठो जागो, अरे तुम्हारा लिए जितना सारे अमृत अपेक्षित है, जो वरदान है तुम्हारा लिए वेट कर रहा है, अपेक्षित है, क्यों नहीं ले रहे, प्राप्तो वरानो, ये वर जो है, आशीर्वाद जो है, जे अमृतमय है, अमृतस्य पुत्रः, ये जो आशीर्वाद है गुरु वैष्णव भगवान सबका, ऋषि मुनियों का जो आशीर्वाद है, ये लेने के लिए तैयार हो जाओ। प्राप्तो वरानो निबोधतो, निबोधतो मैं बी कॉन्शियस अलर्ट, निबोधतो समझने का कोशिश करो, जो आनंद ले रहे हो ये, इट इज जस्ट लाइक वॉकिंग ओवर ए शार्प एज सोर्ड, एक सोर्ड का ऊपर से चलने का जितना रिक्स है, उससे भी ज्यादा रिक्स है ये सांसारिक जिंदगी। पल पल में मेरा जिंदगी में, मेरा हृदय में चिंता उदित होता है, क्या करें, बहुत प्रयास प्रचेष्टा का बावजूद इतना हालत गिर गया है, जो मैं क्या करूं, चेष्टा तो करना चाहिए। अब बात यह होता है, आत्मा हमारा अंदर में जो आत्मा है, चिदात्मा, इसका बारे में जीव तत्व का चर्चा जब हुआ था, बोला आत्मा चिन्मय है, आत्मा नित्य है, आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा प्रकाशमय है, कितना सारी चर्चा किया, कौन याद रखे, आत्मा प्रकाशमय है, आत्मा ज्ञानमय है स्वयं, और ये आत्मा जब सुप्त अवस्था में है, पूर्व कर्म फल के अनुसार जीवात्मा जो बद्ध अवस्था में है शरीर में, ये आत्मा सुप्त अवस्था में है, अभी उपनिषद बताया ना, उत्तिष्ठत जागर मतलब सुप्त अवस्था में है, और ये सुप्त अवस्था में आत्मा रहने का कारण, वर्तमान अवस्था में परमात्मा का सेवा में इसका कोई एक्सपीरियंस दिखाई नहीं पड़ता,
ऐसे ऐसे तो जीवे स्वरूप कृष्ण जी तो ये सब हर कोई ये कविता को बोलते रहते हैं, अनुभव में आना मुश्किल है। इसीलिए परमात्मा का सेवा में इसका कोई जो जो भाव है ये प्रकाशित नहीं। और ये मालिक जो है मतलब ये जो क्षेत्रज्ञ जो है जो आत्मा जो है ये मालिक सोए हुए है, अनकॉन्शियस है। मालिक चेतना खो बैठा है, अंदर में है सुप्त तो अवस्था। चेतना तो है ही है, चेतना तो खोया नहीं, लेकिन इसका कॉन्शियसनेस जो है वो खो बैठा है। अब मालिक सोया हुआ है इसीलिए इसी हालत में इसका जो नौकर चाकर है मालिक का अधीन, मालिक का कंट्रोलिंग में जो मालिक का जो अधीन जो नौकर चाकर है मतलब ये इसको नौकर चाकर ये उल्टा काम कर रहा है। ये अपना जो स्वार्थ है भगवान का सेवा करना इसका उल्टा कर रहा है। शरीर और मन जो है दो कर्मचारी, ये मालिक सोया हुआ है अब ले लो मजा बोल के उल्टा कर रहा है, अपसार्थ जो है अपना लूट रहा है मालिक को, मालिक का घर को। चिदात्मा मन जो है जिसका बारे में बताया गया, चिदात्मा मन ये तो परिवर्तनशील है। आज मन अच्छा है काल बूढ़ा हो सकता है। मन का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां जा नहीं सकता है। ये पांचाल क्षेत्रों में, पांचाल मतलब शब्द पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पांचाल क्षेत्र है, पांचाल का मतलब पंजाब, लेकिन ये शास्त्रों का विचार जो है, शास्त्रों का जो विचार इसमें है, पांचाल क्षेत्रों में विचरण करने वाले आधा अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंधो इसमें डोलते रहते हैं, भागते रहते हैं। इसलिए मन का जो चेंज है ये फ्रिकल माइंड है। माइंड का कोई स्टेबिलिटी है नहीं, बद्ध अवस्था में मन माइंड का कोई स्टेबिलिटी नहीं। बद्ध अवस्था में मन का कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मन परिवर्तनशील। लेकिन एक बात तो पक्का है, आत्मा आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, नित्य है। इसका बारे में बहुत चर्चा होगी। आत्मा लेकिन परिवर्तनशील नहीं है, मन परिवर्तनशील है। आत्मा परिवर्तनशील नहीं क्योंकि नित्य वस्तु है। मन का काम है कभी भोग करना कभी त्याग करना। मन का क्या काम है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद का अनुगत्व में मैं व्याख्या कर रहा हूं। मन का कार्य है, मन का काम है भोग या निर्भोग अर्थात त्याग या भोग। आत्मा का स्वाभाविक जो क्रिया है कार्य है ये भगवत सेवा। ऐसा करके परम सत्व वस्तु को खो बैठा है। परम सत्व वस्तु एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, जितना सारे मेटेरियल जगत का एक्सपीरियंस बढ़ाने का कोशिश करो उतना ही वास्तव सत्व वस्तु से दफा हो जाओगे। अत्रिंद्रिय वस्तु जो भगवान है, भगवान को जानना संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इसीलिए तमाम शास्त्रों बार बार एक ही साथ कहा, अतः दुस्संगम सृज्य, हमारा मन ये जो बुद्धि ये सारे असत्संग है, मेरा सारे बदमाश है। अतः दुस्संगम सृज्य सस्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एव अस्व छिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी।
चेतना का विकास के रास्ते में एकमात्र साधु संग जरूरी है, इसको छोड़ के कोई दूसरा रास्ता है नहीं। जो भी है, काल चर्चा हुआ था क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रो क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम जब तज ज्ञानम मतम मम। इस बार बारे में चर्चा हुआ था क्षेत्र विचार और क्षेत्रज्ञ विचार, ये दोनों विषय में तीन तत्व दिखाई पड़ता है। क्षेत्र विचार और क्षेत्रज्ञ विचार, ये विचार करने जाए तो तीन वस्तु सामने आता है, तीन तत्व। एक है ईश्वर, दूसरा है जीव और तीसरा ये जड़ शरीर। एक एक शरीर में एक एक जो जीवात्मा लोग एक एक क्षेत्रों को बैठे हुए हैं, एक एक जीवात्मा अपना हिसाब से अपना शरीर को काम में लगाने का, सब हम एनालिटिकली व्याख्या करें तो देखा जाएगा इसमें ये 24 तत्व है, सारे क्षेत्रों का अंदर ही आता है। कैसे आता है इसका विचार जरूरी है। एक शरीर का अंदर में जो जीवात्मा रूप जो बैठे हुए हैं, एक क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि इसका जो जीवात्मा है अंदर में, इसका शरीर के बारे में थोड़ा उसका जानकारी थोड़ा बहुत है। इसका तो है कंप्लीट नॉलेज का मतलब है ये शरीर मेरा नहीं है, ये समझना नहीं समझ रहा है ना, मतलब ये शरीर को अपना अपना हिसाब से कल्टीवेट कर रहा है, शरीर को कल्टीवेट कर रहा है ना। कल्टीवेट मतलब जो जैसा बोओगे ऐसा फसल मिलेगा। जैसे हम पहले भी बहुत बार कह चुका, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टीवेशन, दो सेजेस आफ्टर लॉन्ग डिलीवरेशन हैव गिवन अस इमेंस ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, बट वी आर सो फुलिश, वी आर लेस इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट इट दिस नॉलेज। भारत को बोला गया आध्यात्मिक आबादी क्षेत्र है, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टिवेशन। बाहर में जाओ तो ये तो धर्म क्षेत्र नहीं है, ये भारतवर्ष जो है धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। कर्म मतलब वेद का अनुशासन का मुताबिक जो क्रियाक्रम किया जाए, जो क्रियाक्रम किया जाए वेद का अनुशासन का मुताबिक, वो ए अप्रोप्रिएट जगह है इंडिया, भारत। वर्णाश्रम धर्म सारे हैं इसमें अंदर में, बाकी एप्लीकेशन तो बाहरी देश में कुछ है नहीं, बाहरी देश में तो ये सब है नहीं, कुछ नहीं, ये भारत में ही है। सो इसको भारत को जैसे आध्यात्मिक आबादी का क्षेत्र माना गया, ऐसे ये शरीर जो है इसके द्वारा धर्म अर्थ काम जो ये जो है इसको आबादी करने का, तो ये तो शरीर है। इतना ही नहीं, इसमें परमार्थों का भी साधन किया जाए, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पवम गुरुकर्ण धारम है ना, बहुत सारे श्लोक बताए, बाद में और चर्चा होगा अगले सप्ताह। तो इस शरीर के द्वारा धर्म अर्थ काम मुख्य जो भी चाहो, तो ज्यादा से ज्यादा देखो बात ये है, धर्मों जो जनरल धर्मों हैं वो भी आजकल का आदमी नहीं चाहता है। मुख्य को, मुख्य तो छोड़ दो, मुख्य भी नहीं चाहता है, समझते ही नहीं क्या मुख्य है। काम धर्मार्थ काम, अर्थो और काम, ये दोनों का विषय में ज्यादा लगन है पूरा दुनिया का। अर्थो और काम, कैसे अर्थ कमाया जाए, कैसे अपना जीवन जिंदगी को ये शरीर का साथ जुड़ा हुआ चीज को
सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी थोड़ी मिलेगा वो, इसको इंश्योरेंस करना चाहता है सारे तमाम चीज़ों को, जबकि कोई वस्तु परमानेंट है नहीं। तो आजकल के ज़माने में वो काम अर्थों और काम, इसका ये दोनों का ऊपर ध्यान ज़्यादा है। और काम का भी जो एंजॉय करने का जो तरीका था, वहाँ का एटिकेसी था, कुछ कंट्रोलिंग था, कुछ अरेंजमेंट था, ऐसा कुत्ता बिल्ली का मापी अरेंजमेंट नहीं था। हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष है, वो जो है असुर लोग जो है, ये लोगों का भी जमाने में थोड़ा एंजॉयमेंट का भी जो तरीका था, अब आजकल के ज़माने वो भी नहीं। वो भी सोचो मत, कुछ भी कर लो एंजॉयमेंट करो बस, वो किसी भी हालत से करो, हैं जरा जरा संदा आदि ये लोग थोड़ा ठीक है, मायावादी है, असुर है, सब मानता हूँ, लेकिन उसका भी थोड़ा कंट्रोलिंग तो था। ये कंट्रोलिंग का कोई कीमत है नहीं, फिर भी आजकल के ज़माने में देखो तो इसका मुताबिक वो तो अच्छा था। आज तो करोड़ों करोड़ों हिरण्यकशिपु हो गया, एक हिरण्यकशिपु नहीं है, कहाँ जाए, हालत ऐसे ही है। तो धर्म और तो काम को इस चारों में ओ अर्थो और काम, ये दोनों की विशेष इज्जत मिलता है दुनिया में। जो जितना अर्थ कमाए, जिसका ये सब है, तो हर शरीर में ये जो बैठा हुआ जीवात्मा है, ये तो अपना अपना शरीर को काम में लगाएगा, शरीर तो इसका बारे ये जो आत्मा सर जीवात्मा जो है, ये एक हर घट घट में जो बैठा हुआ है, जो जीवात्मा है, ये क्षेत्रों को है, इसका बारे में बताया पहला श्लोक में। और भगवान ने कहा कि ठीक है, ये बात तो जरूर, ये बात तो ठीक है, अपना अपना शरीर लेकर बैठा हुआ है, कुछ जानकारी तो है ही है, लेकिन टोटली अनंत ब्रह्मांड में जहाँ जितना सारे जीव है, सब घट घट में मैं भी बैठा हुआ हूँ परमात्मा के रूप में। और सच्चा बात तो ये है, मैं सच्चा क्षेत्रज्ञ हूँ, ये तो नकली से क्षेत्रज्ञ है, ये इसको गलती करता है, लेकिन हर क्षेत्र में शरीर के अंदर में परमात्मा का रूप में जो बैठा हुआ हूँ, ये मैं मेरे को ही ईश्वर, मैं ईश्वर हूँ, मेरे को ही वास्तविक सर्वज्ञ परमात्मा रूप में सर्वक्षेत्रज्ञ माने अनंत ब्रह्मांड में जहाँ जितना सारे शरीर है, जो कि जीवात्मा के साथ परमात्मा है, ये क्षेत्रज्ञ है। और ये क्षेत्रज्ञ तत्व विचार पूर्वक तीनों विषय में जो पक्का जानकारी हो जाए, ईश्वर जीव और जड़ विषय में विशेष इसका अनुभव हो जाए, ये ज्ञान को ही विज्ञान माना गया। काल इस विषय में चर्चा करना चाहा कि मायावादी का विचार है एक जीवात्मा बात, मायावादी का जो विचार है, ये लोगों का विचार क्या है, एक जीवात्मा बात, एक जीवात्मा। वो लोगों का कहना है हजारों सैकड़ों पानी का पात्र धर दो, जिसका मुंह ओपन है, और हर एक एक पात्र का ओर देखो, आसमान का सूर्य का जो प्रतिबिंब है, हर घटबट में दिखाई पड़ेगा, ये लोग का ये विचार है। ये लोग बहु आत्मावाद मानते नहीं, एक आत्मावाद, जबकि शास्त्र में किसी जगह, ना तो गीता में, ना तो भागवत में, ना तो उपनिषद में, किसी जगह एक आत्मावाद का स्वीकृति नहीं है, लेकिन ये लोग मानते।
किसी जगह इसका बारे में खुलासा कुछ नहीं किया गया। कुछ कुछ विषय में ऐसा चर्चा है उसका माने ये लोग समझता नहीं। जीवात्मा परमात्मा का अधीन है, हर वक्त परमात्मा भगवान का कंट्रोलिंग में है। तरही न शति, ये जो भागवत का जो श्लोक है इसी में इसका बारे में चर्चा हो, बहुत सुंदर इसका बारे में चर्चा है। ये जो अलग अलग करके जो ये लोग जो कहते हैं बहुत जीवात्मा बात, ये कभी भी ठीक नहीं, बिल्कुल ये सरासर गलत है। ये लोगों का कहना है संसार है ही नहीं, ये लोगों का कहना है कि संसार है ही नहीं और परमात्मा माया का अंदर में फंसकर ऐसा दिखा रहे हैं, ब्रह्म विकार प्राप्त हुआ। ब्रह्म अगर विकार प्राप्त हो जाए तो ब्रह्म कैसे, जिसका बारे में ब्रह्म संगीत में बताया गया निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, निष्कल है कलंक विहीन है, जिसमें माया का स्पर्श तक होना संभव नहीं, इसको बोलता है ब्रह्म। भी महाप्रभु जी ने तर्क को दिखाया कि जड़ जगत में एक स्पर्श मणि जो है, स्पर्श मणि कैसे एक लोहे को स्पर्श करके सोने में बदल देता है, लेकिन स्पर्श मणि खुद अविकारी है, स्पर्श मणि का कोई विकृति नहीं। महाप्रभु जी ने ये उदाहरण उठाया, अगर स्पर्श मणि एक लोहे को स्पर्श करके सोने में बदल दिया और खुद का कोई परिवर्तन हुआ नहीं, अगर ये जड़ जगत में ऐसा संभव है, स्पर्श मणि का प्रभाव है, तब ब्रह्म का क्या क्षमता नहीं है कि है, ब्रह्म का कोई क्षमता नहीं, शक्ति नहीं, निशक्ति है ब्रह्म, और खुद विकार प्राप्त होना संभव है क्या ब्रह्म का? महाप्रभु ये उत्तर दिया। मायावादी का कहना है ये जो प्रापंचिक जगत है ये जगत है ही नहीं, कुछ नहीं, ये माया है, सपने जैसा, देखो कैसा बात है, दिखाई पड़ता है संसार, रह रहा हूं सभी का साथ, चल रहा हूं दुनिया चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, और बोला है ये सपने जैसा, कैसा पागलपन थी। महापू जी ने बोला नहीं, ये प्रापंचिक जगत जो है अनित्य है, लेकिन ये झूठा नहीं है, ये सपने जैसा नहीं है, ये अनित्य है लेकिन ये झूठा है, बेकार है, जगत है ही नहीं, कैसे हो सकता। ये लोग का उदाहरण है, ये लोग का उदाहरण है, बोले जैसे एक रस्सी लटक रहा है रात को एक जगह, और सांप जैसा भ्रम हुआ। ये लोग ये उदाहरण का अक्सर उठाते हैं, रज्जुते सर्प भ्रम, रज्जु मतलब रस्सी, रज्जु में सर्प भ्रम, ये बताते हैं ये लोग। जैसे ये जो रज्जु है रस्सी है लटक रहा है, लगता है कि सांप है, लेकिन बाद में दिखा गया ये सांप नहीं है रस्सी है। लेकिन हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों का विचार ये है, मायावादी को पूछना चाहता है, मायावादी को हमारा गौड़ीय वैष्णव लग पूछना चाहता है, अच्छा मायावादी आप तो ये कह रहे हैं, ठीक है मानो चलो कि रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ, लेकिन ये जो भ्रम है ये भ्रम का एक जो भ्रम हुआ है
इसका कोई एक कोई इसका कोई निराधार निराधार तो नहीं है। ये जो सर्पभ्रम भ्रम हुआ है, ये भ्रम क्या निराधार है? कहने के क्या मतलब है भाई? हमारा जो भ्रम हुआ है, चलो ठीक है भ्रम हुआ है, लेकिन ये भ्रम जो है हमारा, ये क्या निराधार है, बेसलेस है? वो समझा नहीं बात को। मतलब ये कहने का मतलब ये है, ये जो सर्पों का भ्रम हुआ है, चलो इधर सर्प नहीं है मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये सर्प बोल के जो चीज है उसका एग्जिस्टेंस तो है। अगर ये एक्सपीरियंस मेरा अंदर में नहीं रहता, जैसे एकदम नादान बच्चा, वो तो सांप को पकड़ने जाता है क्योंकि सांप का बारे में इसका कोई नॉलेज नहीं है कि जहरीली है, काट देगा मार देगा, तो पकड़ने जाता। कहने का मतलब है सर्प बोल के जो चीज है ये भयंकर, इसका जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस तो झूठा नहीं कि सांप तो जरूर है, कहीं ना कहीं तो है सांप, उसका एक्सपीरियंस मेरा दिल में बैठा हुआ है, मैं जानता हूं। विधेय जब ही मेरे को सर्प का भ्रम, सर्प भ्रम ठीक है, लेकिन मैं ये चौंक गया, डर गया, इसका पीछे राज क्या है? इसका पीछे तो ये राज है कि सर्प बोल की जो चीजें है जरूर, तो मायावादी इसका उत्तर नहीं दे सकता। तो प्रपंच जो है ये सब इसका निराधार है, सपने जैसा है, कुछ नहीं है, कैसे कह सकता है? ये तो हो नहीं सकता। ये जो अभी मतलब की बात करें, सारे चीज मतलब की बातें हैं, फिर भी जीवगण जो है भोग और मोक्षो, भोग और मोक्षो साधन स्वरूप, जो क्षेत्र स्वरूप अपना अपना जो शरीर है, ये तत्व को थोड़ा बहुत समझ लिया और समझने के बाद शरीर को उसी हिसाब से चलाने का कोशिश करे, इसका नॉलेज है उसका अंदर में है, इसका लिए इसको क्षेत्रज्ञ रूप में बैठा हुआ है। और भगवान टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे उपनिषद में बताया ना, ये जो श्वेतसुर उपनिषद में एक ही वृक्ष का ब्रांच में बैठा हुआ है दो पंछी, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जीवात्मा ये संसार रूपी वृक्ष का जो सुख दुख नामक जो फल ये आस्वादन करते रहते हैं, जबकि ये परमात्मा जो है ये देखते रहते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये कभी कुछ चीज भोगते नहीं। सौ सर्वद्रिक उपद्रष्टा, ये उपद्रष्टा माने ऊपर से नजरदारी कर रहा है और जो कुछ भी कर रहा है भला बुरा सब नोट हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने देखा नहीं, हमने गलती कर दिया है, खूब घटिया काम कर दिया, किसी ने देखा नहीं तो क्या है, अच्छा है, लेकिन देखा है कि देखा नहीं हो ही नहीं सकता, ये नोट हो गया। कोई भी अच्छा बुरा काम करो, कोई भी फालतू काम करो, अपराध करो, कोई देखा नहीं तो परमात्मा देखा, वो तो नोट हो गया उसका अंदर में, सो नोट रहता है और उसी मुताबिक अगले जन्म में उसका भोगने के लिए कर्म फल, इसको वेद में अपूर्व बोला। अपूर्व होना, अपूर्व मतलब एक्सीलेंट नहीं है, अपूर्व मतलब कर्म का जो फल रहता है इसको अपूर्व बोला गया। जीवात्मा अपना शरीर छोड़ने का बाद जो क्रियाकर्म किया है, जो भोगा भी है प्लस माइनस करके, जो रेसिड्यू है, बैलेंस है, वो जीवात्मा का साथ चला जाता है दूसरा जर्नी में, दूसरा शरीर में, और जाने का बाद वो शरीर में घुस गया मोटा शरीर में। उसका बाद जन्म लेने का बाद वो जो पूर्व कर्मफल जो है पूर्व जन्म का, और इस जन्म में जो क्रियाकर्म उसका प्लस माइनस करके अगले जन्म में, फिर ऐसे ही अनंत काल ऐसे ही चल रहा है। परमात्मा का रूप में हर शरीर में बैठा अंतर्जामी और
सब कुछ उसको याद है, भगवान सब कुछ जानता है। राजा राजा का माफिक बैठा हुआ है। स्मृति शास्त्रों में है ये शरीर को, स्मृति शास्त्रों में वेदांत में हर जगह इसका बारे में बहुत सारी चर्चा है, इसका बारे में बहुत सारी चर्चा है इस बारे में। और स्मृति शास्त्रों में बताया गया ये शरीर जो क्षेत्र है और इसमें जो शुभ अशुभ अच्छा बुरा जो क्रियाक्रम कर रहे हैं शुभ अशुभ कर्मों, ये बीज रूप में काम करता है, बीज रूप में रह जाता है, अगले शरीर में काम के लिए आता है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कर्मफल को भोगना होगा। अवश्यमेव वक्तव्य कृतकर्म शुभाशुभम, हमारा किया हुआ कर्म हमारा माता जी भोग नहीं कर सकता। हमारा क्रिया हुआ कर्म जो है हमको ही भोगना पड़ेगा, हमारा बच्चा नहीं भोगेगा, हमारा माता नहीं भोगेगा, हमारा कोई, हमारा स्त्री नहीं, कोई नहीं, सब अपना अपना है, किसी का साथ कोई संबंध नहीं है। बस संबंध बन गया इसी जन्म में, रिश्ता बन गया। और भागवत में 11वां स्कंद में सुंदर बताया नारद जी महाराज समुन्द्र का किनारे में कितना सारे बालूकण है, अनगिनत गिन सकता है कितना बालूकण है, बोले गिन नहीं सकता। नारद जी महाराज सुंदर उदाहरण दिया, एक बालूकण जो है दूसरा एक बालूकण के साथ एकदम आलिंगन करके बैठा हुआ है, बालूकण है ना, चारों अनगिनत बालूकण है, सब बालूकण है सैंड, एक सैंड का पार्टिकल दूसरा सैंड का पार्टिकल के साथ आलिंगन करके बैठा हुआ है जैसे अपना आदमी है। अचानक एक हवा का झोंका आया बड़ा जोर सा साइक्लोन, अचानक वो जो आलिंगन है कहाँ रूट गया कोई पता नहीं, ये बालिकन चला गया करके उड़ के चला गया था। मेरा अपना जिंदगी में उदाहरण बहुत सारे हैं, ऐसा कोई सारे ऐसा आदमी भी है जिसका साथ मेरा दोस्ती हो गया था बस एक रात के लिए। हिमालय का काली कमली वाली आश्रम में रुका था, खाना तो अपना बना के कर दिया था थोड़ा बहुत पहाड़ी चट्टी में। एक संत था निम्बा के संप्रदाय का, बहुत सा चर्चा हुआ और सुबह होते ही वो चला गया नीचे, हम चला गया ऊपर, वो चला गया नीचे, मतलब उसका दर्शन हो गया। और जिंदगी में उसका साथ कोई देखा हुआ ही नहीं, इसीलिए जीवन को यात्रा बोला जाता है। जीवन को यात्रा क्यों बोला जाता है, सचमुच वाकई ही हम लोग यात्रा में हैं। जिसका जब टाइम आएगा स्टेशन आ जाएगा वहां से उतर जाएगा, स्वामी स्त्री है, बच्चा है, पिता माता है, पिता का स्टेशन आ गया, पिता उतर जाएगा यात्रा से, अब पिता मर गया रोना धोना शुरू कर दिया, उसका स्टेशन आ गया वो उतर गया, तुम्हारा स्टेशन आएगा तुम उतर जाओगे। तो एक जीवन को यात्रा माना जाता है। तो ये जो अच्छा बुरा जो क्रम है ये जो बीज का रूप में काम करता है, ये सब जो तत्व है जो जानता है तिनी योगात्मा पुरुष, तो इसीलिए क्षेत्रज्ञ नामे अभीतो। और क्षेत्रों का साथ क्षेत्रज्ञों जीव और परमात्मा का जो ज्ञान टुगेदर एक साथ, ये शरीर में बैठा हुआ आत्मा और शरीर के बारे में थोड़ा ध्यान है ये क्षेत्र है, और खेत में जीवात्मा बैठा हुआ है ये भी पता है, जीवात्मा निकल जा सकता कभी भी, और इसमें परमात्मा बैठा हुआ तावान जो गैर है जड़ शरीर उसमें बैठा हुआ क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा जो परम क्षेत्रज्ञ है, इसका बारे में जो पक्का जो ज्ञान है नॉलेज है, ये ज्ञान जो है ये वास्तविक ज्ञान है।
इसमें क्या होता है, मोह प्राप्ति होने का कोई चांस नहीं। इसमें क्या होता है, मोह को प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान है, जानते हैं इस बारे में। कपिल जी महाराज अपना माता जी को सांखों ज्ञान के बारे में, प्रकृति पुरुष का जो संबंध है क्या है नहीं है इसका बारे में थोड़ा चर्चा किया था। अग्निवंशीय जो कपिल है उसका बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, मायावादी है वो, मायावादी है। तो भगवान का माया का ऐसा ही प्रभाव है, हर वक्त भगवान का माया का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि हर वक्त जीवों को अंधेरा में रखना चाहता है। देखो क्या बात है, कहां से आ गया दो बुद्ध है, तमाम आदमी तो किसी को ज्ञान नहीं, दो बुद्ध है, एक है हमारा भगवान अवतार बुद्ध है, दूसरा एक है वो जो कपिला वस्तु का जो शुद्धोदन का लड़का है वो है ना। ऐसे कपिल जी महाराज भी दो है। भगवान का माया क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सका। अभी आपका अटेंशन इसमें है, तुरंत इंटरनेट में एक चीज दिखा, बस फटाफट मन उधर चला, यार ये उसी में रम गया। मन इतना फिकिल है, जो मन को संभालना सचमुच मुश्किल है। 100% कंसेंट्रेशन जब नहीं आता है तो शास्त्रों का जो ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान ठहरेगा नहीं, सुनने का बावजूद भूल जाता है, क्योंकि फिकल माइंड है, टिकता नहीं। मनहा दुर निर्ग्राम चलम, तो क्षेत्रों का साथ जीवात्मा खुद का, जीवात्मा परमात्मा सारी जो तमाम नॉलेज है इसको ही वास्तविक ज्ञान बताया जाए। इसके अलावा जो नेगेटिव ज्ञान है, इसको अज्ञान माना गया, ये भगवान का ये कहना है। भगवान अर्जुन को ये कहना चाह, इस विषय में थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। ये जो प्रकृति जीव और ईश्वर, इसका जो रेस्पेक्टिव जो रिलेशन है, भक्तित्व एंजॉइंग मूड जो है जीवात्मा का है, भोग्यत्व हम भोग करेंगे, भक्तित्व और नियंत्रित्व कंट्रोलिंग सीन, ये जो तमाम जो चीज है एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का जो ब्रीडिंग अर्थात मिश्रण हो नहीं सकता, सब अपना अपना हिसाब से रहता है। प्रकृति का साथ जीव का ब्लेंडिंग मिक्सिंग और ईश्वर का जो अपना प्रभाव है, जीव का अलग सा पहचान है प्रकृति का, जब भी एक जैसा लगता है लेकिन एक एक अपना अपना हिसाब से रहता है, एक दूसरे का साथ जो संमिश्रण है ये संभव नहीं है। बाहरी दृष्टि में लगता है कन्फ्यूजन, जब भी ये मोटा शरीर है इसको ही लगता है मैं हूं, ये शरीर है ऐसा ही लगता है, लेकिन वास्तव बात मैंने बहुत बार कह चुका, ये आत्मा का साथ शरीर का, जड़ शरीर और मन का कोई ताल्लुकात है नहीं, बस बीच में फंस गया, कोई ताल्लुकात है नहीं, कोई किसी भी हालत से इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन क्या किया जाए, इसी में फंस गया। और प्रकृति और पुरुष जो है, पुरुष दो किस्म का काल भी चर्चा की, एक पुरुष है, पुरुष मतलब पुरुषाकार एंजॉयिंग मूड जीवात्मा का है, और परमात्मा तो वास्तविक एंजॉयर है, सारे तुम तमाम जुने का भोगने का जितना सारे सिर्फ भगवान का ही है, किसी का नहीं है। और जीवात्मा का जो भक्तित्व अभिमान
डुअरशिप एंजॉयरशिप सारे फॉल्स है, इसीलिए इसका मुसीबत है। अनंत काल से एक जीवात्मा, जीवात्मा मतलब चिदात्मा, ये प्रकृति का साथ एक साथ रहते हुए एक का प्रॉपर्टी दूसरे का अंदर में मानो घुस गया। जैसे उदाहरण दिया ना महाप्रभु, उदाहरण दिया ना एक लोहे का एक डंडा, इसको आग में रखो तो धीरे धीरे ये लोहे का अंदर में आग घुस के आग जैसा प्रॉपर्टी पैदा कर देगा। वास्तविक रूप में लोहे का कभी भी आग का प्रॉपर्टी नहीं है, लोहे में लोहे का प्रॉपर्टी, लेकिन एक साथ रहते हुए ऐसा हुआ कि आग का क्या प्रॉपर्टी, किसी को जला दे, थोड़ा लाइट भी दे दे, प्रकाश करे, सब कुछ है ना, और देखने में मॉल्टेन गोल्ड, ये सारे जो प्रॉपर्टी है विचार करके देखना। जब भी लोहे काला है, लोहे काले एकदम काला, लेकिन वो आँख के साथ रहते हुए जैसे इसका प्रॉपर्टी इसके अंदर में घुस गया, लगता है कि ये लोहे के अंदर में जो ऐसा ही हो गया, इसका भी प्रकाश रहता है, जलाने का क्षमता भी है, और मोल्टे आँख जैसा ही हो गया। ऐसा ही प्रकृति और पुरुष का संयोग के द्वारा प्रकृति का गुणावली जो है, इनर्ट प्रॉपर्टी जो है, ये जीवात्मा का अंदर में सूक्ष्म शरीर में अंदर में रेस्टिंग कर रहा है, घुस गया। और जड़ चेतन का अंदर में, जड़ वस्तु का अंदर में ये चेतन घुसने का कारण ये शरीर मैं हूं, ऐसा भी फहमी होता है। तमाम ये जो विषय है ये संभव है, क्योंकि एक दूसरे का प्रॉपर्टी का ये एक साथ रहते हुए मानो की लगता है एक साथ रहने का कारण। और एक बात पक्का है कि ईश्वर नित्य है, और चिदात्मा जीव जो है वो भी अजो है, जन्म रहित, जन्म तो शरीर का है। सो ईश्वर और जीव दोनों ही अजो है, जिसका जन्म रहित है, नित्य वस्तु है, और इसके अलावा और एक चीज है, एतद्भिन्नो अन्य एक शक्ति है, जिसका बारे में जो भोक्ता जीवों को भोग साधन का विषय प्रदान करता है, मायादि भी करता है ना, ये लड़का का शरीर, लड़की का शरीर, एंजॉयिंग मूड, जो कुछ भी है, सब जो है ये बनावटी है, बस इसमें डुअरशिप एंजॉयरशिप वही यही पक्का है, और कुछ यही समझता है बद्ध जी। इस विषय में गीता में बताया है, और इसमें जीवात्मा का जो भोग साधन विषय सकल प्रदान करता है ये है माया शक्ति, इसको औजा बताया गया। औजा मतलब छागल, और जीव जीव ऐसे ही है, ये है माया शक्ति, और ये भी औजा है। जीव और ये प्रकृति, जीव और ये प्रकृति दोनों ही ईश्वर का अधीन है। जीव और ये प्रकृति है दोनों ही ईश्वर का अधीन है। ईश्वर कर्ता बाहरी दृष्टि में समझ नहीं पाता कोई, लेकिन कर्मफल दाता ईश्वर है। ईश्वर अकर्ता, ईश्वर जो है कोई इसमें ईश्वर जो है अकर्ता है, अतः शरीर कर्म में कुछ करता नहीं।
ईश्वर अकर्ता होने होने का बावजूद भी ये दोनों को ऐसे इन्फ्लुएंस में लगा देता है, दोनों में सृष्टि का कार्य में लगे, प्रकृति और पुरुष जो ईश्वर ईश्वर अकर्ता बन के, ईश्वर का कोई माथा पीछे नहीं है, ठीक है अपना दुनिया चल रहा है। ना आदत्ते कस्यचित पापम, पहले बताया ना बहुत बार, ना आदत्ते कस्यचित पापम न चैव सकृतिम विभुम अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति यन्तवा। ऐसा विचार है, नादत्त कसचित पापम, ये पाप और पुण्य जो है इसका बारे में जीवात्मा का कुछ नहीं है, आता जाता नहीं, फिर भी आत्मा जो है वो जो है ये अल्टीमेट कंट्रोलिंग पावर इसका हाथ में ही है, सब सारी सारी इसका हाथ में ही है। बहुत जीवात्मा का बारे में बहुत सारे चर्चा भी है, मामविवांस जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति हैं, देखो क्या सारे बता दिया भगवान। विभिन्न अंश रूप जीवात्मा जो है नित्य दास मेरा है, भगवान कह रहे हैं बद्ध जीव सियो उपाधि रूप जो इस शरीर पकड़ा है, प्रकृतिस्थ मन और पंचो बाह्येन्द्रियो ये सौ सारे जो है ये प्रकृति का और खींच प्रकृति का खिंचावट है। न जायते म्रियते व कदाचिन न कदाचिन न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता बा न भूयो अजो नित्य शश्वत वयम पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे, सारे बताए। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान, इसमें खुलासा है ना, कठोपनिषद कठोपनिषद का इसमें पूरा पक्का है, ये नित्यो नित्यान चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान, जो अपना कामना वासना का पूर्ति करता है, नित्यो नित्यानाम जो तमाम नित्य वस्तु का जो परम नित्य वस्तु है, परम इतना चेतन वस्तु है अनंत, सब सब चेतन वस्तु का जो सोर्स है, नित्यो नित्यानम चेतनश्चेतनानम एको बहुना जो विदधाति कामन तम आत्मस्थम जो अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां, इसका ही शांति है जो ये समझता है। आत्मस्थ होकर एकदम जो समझता है अंदर में सब कुछ, इसका अज्ञान नहीं रहता। ये पूरा जो भी है इस विषय में बताया गया, सो ये जो है अल्टीमेट कंट्रोलिंग जो है भगवान का हाथ में ही है, लेकिन ये जो माया शक्ति है इसको औजा और जीव ये जो द्वे अर्थात जीव और प्रकृति ईश्वर का अधीन है चलता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती भी ऐसा ही बात बताए, जीव प्रत्येक एक एक क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हैं और भगवान सर्वज्ञाता सर हृदय में शरीर में बैठे हुए परम क्षेत्रज्ञ है। अगले आगे चलकर वो जो श्लोक है इसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तत् क्षेत्रम जच्च जाद्रिक च जद विकारी
जश्च यत् सच जो यत् प्रभावश्चो तत् समासेन में श्रृणु। क्या बताए? तत् क्षेत्रम, वो क्षेत्रों के बारे में, तत् क्षेत्रम यही क्षेत्रों के बारे में, जच्च जहां, जादृक्च किस प्रकार का ये क्षेत्र है, यद विकारी कैसे विकार प्राप्त होता है, यतः यच्च यहां जिससे हैं, जो कारण उत्पन्न होता है, जहां इति ये कारण उत्पन्न होता है, सच ज यही क्षेत्रों क्षेत्रज्ञ जिस प्रकार का है, स्वरूप विशिष्ट जत प्रभाव इसका है, इसका क्या प्रभाव है, तत् ये सब विषय में, तमाम विषय में धीरे धीरे मैं संक्षेप में समासेन तत् समासेन में सुनो, इस विषय में संक्षेप में मैं हमारा पास सुनने का प्रयत्न करो, हमारा पास इस सब तमाम विषय में सुनने का प्रयत्न करो। बहुत सारी जगह भागवत में भी है, क्षेत्र क्षेत्र के बारे भागवत में भी है, जैसे गजेंद्र मोक्षण के बारे में चर्चा करे वहाँ भी है, क्षेत्र गायो नमस्तुभ्याम सर्वधाक्षायो साक्षिणे, क्या बताए, पूरा क्लियर बता दिया ना, क्षेत्र गायो नमस्तुभ्याम सर्व अध्यक्षायो साक्षिणे, आई बात समझ में, सर्व क्षेत्र गायो हर क्षेत्र में जो बैठा हुआ परमात्मा नमस्तुभ्याम उसको नमन करता हूं, जो सर्वाध्यक्षायो साक्षिणे, अध्यक्ष प्रिंसिपलशिप लेके जो बैठा हुआ है, साक्षी बन के जो बैठा हुआ है, सर्वाध्यक्षायो साक्षिणे, क्षेत्र गायो नमस्तुभ्याम सर्वाध्यक्षायो साक्षिणे, ये बताए बहुत सुंदर। तो इसमें तत्क्षेत्रम, ये जो क्षेत्र है जच्च जाद्रिक, तत्क्षेत्रम जच्च जाद्रिक च जत विकारी जश्च जत सच जो जत प्रभावश्च तत्समासेन मेसेन, ये क्षेत्र क्या वस्तु है, कैसा प्रकार है, क्या है, इस क्या चीज है, इसका विकार कैसे बनता है, कहां से आता है ये सब विकार, और ये जो क्षेत्रज्ञ क्या चीज है, इसका प्रभाव भी क्या है। अर्जुन, मैं संक्षेप इसका जीस्ट बताने जा रहा हूं, तुम ध्यान देके इसका बारे में सुनो। व्याख्या में आएगा ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र किस प्रकार का है, क्षेत्रों का विकार क्या है, इसका प्रयोजन क्या था, कैसे आया है, इसका ये जो क्षेत्रज्ञ है, इसका स्वरूप किस प्रकार का स्वरूप है, इसका प्रभाव भी कैसा है, किस प्रकार का प्रभाव संपन्न है और शक्ति विशिष्ट है, इसका बारे में भगवान कहना चाहता है। ठीक है, चलो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधई पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मदभीर विनिश्चित। क्या बताया भजे, ऋषि भी ये ऋषि मुनिगण है ना, बहुधा तरह तरह का विचार बताया इस विषय में,
ऋषिभिर बहुधा गीतम, गीतम माने दे ऑलरेडी वर्णितो, हम बताया इसका बारे में, गाया है, लिखा है, ऋषिभिर बहुधा गीतम। तो ऋषि भी ऋषिगण बहुधा बहु तरह तरह का विचार बताया, गीतम वर्णित तो किया है, विविधोई भिन्न भिन्न छंद भी वेद वाक्यों के द्वारा पृथक पृथक गीतम कीर्ति हेतुमद्भिर, हेतुमद में युक्तिपूर्ण, इसका लॉजिक दिया हुआ उसका अंदर में युक्तिपूर्ण और विनिश्चित ही निश्चित सिद्धांत युक्त हो ब्रह्मसूत्र पदी एवं वेदांत सूत्र वाक्य द्वारा हो, वेदांत सूत्रों के जो पद है एक एक करके वेदों का जो ऋचा है इसमें भी सब जगह तरह तरह का यह विचार बताया। इस विषय में भगवान पहले इस बात को अर्जुन का सामने पेश किया, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदभिर विविधय पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित है, तरह तरह का सिद्धांत युक्ति है निश्चित रूप में इसको शास्त्र का विचार में ये सब भरपूर दिया गया। ये जो विषय बताना चाहते हैं भक्तिवन ठाकुर कहते हैं कि ऋषिगण कत्रिक एक क्षेत्रो यथात्मो और क्षेत्रज्ञ यथात्मो स्थिति शास्त्र बहु प्रकार का व्याख्या है, वेद शास्त्रों में तरह तरह का विचार बताया गया, ब्रह्मसूत्र में है ब्रह्मसूत्र अर्थात वेदांत सूत्र है बहुत, उसमें बहुत लॉजिक बहुत युक्ति का साथ सिद्धांतों का तरह तरह का विचार बताया है, युक्तिपूर्ण सिद्धांत। अभी ये जो है ये सब बताने का बाद भगवान कह रहे हैं कि देखो महाभूतानि अहंकारो बुद्धि रव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचोच्चेन्द्रियगोचरः इच्छा देशः सुखम दुखम संघातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। देखो कैसा सुंदर उत्तर दिया भगवान, क्या बताया महाभूतानी क्या है, जता महांति भूतानी उच्चा बची शुनु चतुष्क भागवत में है ना, ये जो पंच महाभूत जता महांति भूतानी उच्चा बची शुनु ये जो व्याख्या है ना चतुष्क भागवत में, इस बात को इधर भी खुलासा किया भगवान, महाभूतानी अहंकारो बुद्धि रव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचो चेन्द्रिय गोचरा इच्छा देशः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। भगवान कह रहे अर्जुन ये जो पंच महाभूत है अहंकार तत्व है बुद्धि तत्व है प्रकृति तो प्रकृति है एकादश इंद्रिय है शब्द स्पर्श रूप गंध पंच तत्व तन्मात्र है, उसका साथ लगन लगाने वाले इच्छा देश सुख दुखो शरीर ज्ञान धैर्य ये सकल ये सब जो है विकार टुगेदर विद विकार, ये विकार का साथ एक क्षेत्र रूपे संक्षिप्त इन जिस्ट बताया गया, विकार का सकल विकार का साथ एक क्षेत्र रूप में इसका व्याख्या हो गया, क्योंकि ये जो पंच महाभूत है इसके बाद अहंकार तत्व है बुद्धि तत्व है सारे क्या है
इस बारे में बहुत बार चर्चा हुआ है। इस बारे में भगवान कहते हैं ना, ये आठ किस्म का प्रकृति मेरा ही है, भूमि राप अनलो वायु कंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम। अहंकार के बाद इति इतियम ऐसा बताया। मैं प्रकृति अष्टधा या पंच महाभूत, उसका बाद अहं तत्व बुद्धि तत्व एवं प्रकृति, इसका बाद एकादश इंद्रियो और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच तन्मात्र है। उसका साथ जोड़ा हुआ जो है इच्छा देश सुख दुख शरीर ज्ञान धैर्य, ये सारे जो है टुगेदर विद विकार ऑल टुगेदर, ये क्षेत्रों का एक जिस्ट व्याख्या किया मैंने। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचोचेन्द्रियो गोचरः इच्छा देशः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृत। विकार के साथ ये सब मैंने खोल के रख दिया तुम्हारा सामने, विकार का साथ मैंने खोल कर रख दिया तुम्हारा सामने। श्रीलो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर थोड़ी सी शब्दों में बताया, वो सुने तो हमारा मंगल होगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा ये समस्त ऋषि वाक्यों वेद वाक्यों वेदांत सूत्रों वाक्यों से कलेक्ट किया गया, संकलित किया गया, संग्रहित संग्रहित है, संकलन किया गया। से समस्त ऋषि वाक्यों वेद वाक्यों वेदांत सूत्रों ये सब वाक्यों से संकलित किया हुआ है, संग्रहित है, ये प्रामाणिक है। जो खिति अपो तेज मरुद बोम ये पंच महाभूत, अहंकार बुद्धि अव्यक्त अर्थात त्रिगुणमय प्रधान, एवं चक्षु कर्ण नसिका जिह्वा त्वक एवं पाक बाक पानी पाद पवित्र दस है ना, सारे जो त्वचा सारे जो है अर्थात पंच कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेंद्रियो अर्थात दस दसटी बाह्येंद्रियो हैं, कर्मेंद्रियो ज्ञानेंद्रियो अर्थात दसटी बाह्येंद्रियो, मन को एकादश इंद्रियो मन रू व्यक्ति अंतर इंद्रियो, ये बड़ा तागड़ा है। मन मन एव मनुष्वानम करणो बंधनम अक्षयो, शास्त्र में भागवत में बताया गया मनो एव मनुष्वानम करणो बंधनम और सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता, तमाम जो भजन का प्रोसीड्योर है ये भजन का प्रोसीड्योर का प्रिलिमिनरी चीज है क्या, व्हाट इज द बेसिक थिंग टू बी अटेंडेड बाय ए जीवा क्या है, ये सबसे बड़ा चीज है मन को नियंत्रित करना। सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता, जितना भी सारे भजन बताया फास्ट उपदेश किया है मन को वशीभूत करो, बस ये पक्का बात है। ये लोग का ये प्रोसीड्योर है। अहो भाग्यों से गुरु वैष्णव का संग हो गया किसी जीवात्मा, ये तो अलग बात है, इसका मन वशीभूत हो ही जाता है। बहुत सारे तरीका है जैसे द्वारा वो लोग करना चाहता है फिर भी होता नहीं, लेकिन भक्ति राज्यों में भक्ति फील्ड में वास्तविक निष्कपट कोई जीवात्मा का मन का जो मन का जो कंट्रोलिंग है अपने आप बन जाता है, बस लगा दो। जैसा परीक्षित जैसा अम्बरीश महाराज जी सौ वही मनो कृष्ण पदारविंद योर है लगाया ना, सौ वही मनो कृष्ण पदारविंद लगा के मन बुद्धि सबको हाथ को मंदिर मांजन सारे इंद्रियों को लगा दिया। इसमें क्या होता है
जल्दी कामयाबी मिलता है। हरि कथा में सुनने के लिए कान को लगा दिया और हमारा जवान को भगवान का कथा नाम उच्चारण कर में लगा दिया, आस्वादन महाप्रसाद का लगा दिया जिह्वा को, त्वचा को भगवान का भक्तों का चरण स्पर्श करने का करने में लगा दो। गंध जो है चतुष्सन का बारे में बताया गया, जे भगवान का चरण में चढ़ाया गया, भगवान का चरण में चढ़ाया गया ये चंदन है, पुष्प है, तुलसी है, इसका जो गंदगी है, इसका जो सुंदर सौगंध है, ये सौगंध है नासा में गया, घ्राण लिया तो इसका अंदर में विकार प्राप्त हुआ। विकार मतलब संक्षोभम चित्त तौन हो अंतर्गत सविवरेण चकार तेषम अंतर्गत क्या ये जो तुलसी चंदन अगरु पुष्प जो भगवान का चरण में चढ़ाया गया, अचानक अनुकूल वायु के द्वारा चतुष्सनों का नासा में एक गंध गया। जाने का साथ साथ लिखा हुआ है भागवत में तीसरा स्कंद में अंतर्गत हो सविवरेण चकारतीशम संक्षोभम चित्ततोन, इसका शरीर मन का विकार हो गया। ये विकार अच्छा है, खराब नहीं है, अच्छाई के लिए है। भगवान का ये तुलसी मकरंद वायु ये जो गया तो ये जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ये जो शास्त्रों का विचार के अनुसार खिति अपो तेज वर मरुद भोम पंचमाभूत अहंकार तत्व तो है ही है, बुद्धि अव्यक्त अर्थात त्रिगुणमय प्रधान है, प्रकृति प्रधान, ये सुना नहीं जिन्होंने सृष्टि तत्व सुना नहीं उसको नया लगेगा क्या प्रधान मतलब प्रधान मतलब ये सुने का प्रिंसिपल ना, प्रकृति प्रधान है, जैसे महत्त्व है महत्त्व से प्रधान, कैसे कैसे प्रकृति से धीरे धीरे विकार प्राप्त हो, सारे तमाम चीजें प्रकाशित होता है। सो ये जो अव्यक्त हो, ये जो अहंकार बुद्धि अव्यक्त अर्थात त्रिगुणमय प्रधान है, इसको दिखाया नहीं जाता, और चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा ये सब लेके तमाम जो 10 इंद्रियो है, बाह्य कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियो कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियो सारे मिलाकर 10 हुआ, और मन रूपी जो अंतर इंद्रियो है सबसे तगड़ा है, और पंच विषय जो है जिस विषय में हमारा इंद्रियां और मन भागते रहते हैं, कंट्रोलिंग करने का बावजूद भागते रहते हैं, खिंचावट है, वो क्या चीज़ है? वो तमाम दुनिया का जितना सारे एंजॉयमेंट का विषय है इसको बेसिकली यू कैन सेग्रीगेट भाग किया जाए। तो इसमें विचार आए जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध अर्थात गंधो रस रूप स्पर्शो और शब्द ये 5 ये तमाम कुल मिलाकर ये तमाम विषयों को कुल मिलाकर 24 तत्व होता है। सांखो ज्ञान में भी इसका बारे में कपिल जी महाराज अपना महिहा देवाहुति जी को बताए ये जो 24 तत्वों को बताया ये तमाम तत्व जो है ये क्षेत्र ही है, ये कहाँ है विचार करके देखना। ये जो शरीर है ये तो बना हुआ है खिति अपो तमाम ये जो चीजें हैं ये तो शरीर का अंदर ही है, कहाँ है? जड़ शरीर और सूक्ष्म शरीर इसका अंदर ही है ना। तो ये जो इसको तमाम ये जो 24 तत्व है इसको कुल मिला के क्षेत्रों बोला जाए, ये तत्व को कुल मिलाकर सूक्ष्म विचार करो ध्यान से बैठकर
तो देखो ये 24 तत्व जो है ये क्षेत्रों है, यही क्षेत्र है। और इस 24 तत्व का चर्चा करने से क्षेत्र क्या चीज है ये समझ में आता है, ये कैसा किस्म का है, व्हाट इज द टाइप वैरायटी, किस किस्म का है, इस विषय में अगर चर्चा करो 24 तत्व, धीरे धीरे इसका सारे उत्तर आएगा। क्षेत्र क्षेत्र क्या वस्तु है, कैसा किस्म का है, तमाम उत्तर आएगा। और इच्छा देश सुख दुखो संघात कन्फ्लिक्शन, ये जो मेटेरियल जगत में संघात संघात कन्फ्लिक्शन हर वक्त एनकाउंटर होते रहता है, जिसका बारे में प्रबोधानंद सरस्वती बता रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती बात बताया महापूजी में चेतो दर्पण में, इसमें बताया भव दबाग्नि चल रहा है, इसका निर्वापन चाहिए। तो इस विषय में ये बोलना जरूरी है जो इच्छा देश सुख दुखो संघात अर्थात पंच महाभूत का और एक संघात, संघात में एन इसका मतलब है, और दो माने होता है इसका, स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंस है। एक संघात मतलब संजोग एक साथ, और संघात इसका मतलब एनकाउंटर, दोनों ये मेटेरियल शरीर में तो होते ही रहते हैं। और ये जो संघाता इधर जो है अर्थात पंचभूत परिणाम स्थूल शरीर और चेतन स्वरूप जीवों का जो आधार है, चेतन स्वरूप ये जो स्थूल शरीर है हमारा पंचभूत का परिणाम जो स्थूल शरीर, चेतन स्वरूप जीवों का आधार है, चिदाभास मन है, ज्ञानात्मक लिंग देहों का विषय है और धृति, ये सारे मिलाकर ये जो विकार है, ये जो इच्छा आदेश सुख दुख ये सारे जो है मिलाकर ये क्या है, ये क्षेत्रों का विकार है, क्षेत्रों का विकार है। ये सारी चीजों जो है, ये सारी चीजें जो है ये क्षेत्रों का विकार है, क्षेत्रों का विकार क्षेत्रों का साथ रहता है। तो एक क्षेत्रों का जो कंसेप्शन है इसी का कैटेगरी में आएगा, अलग से कैसे आएगा, एक ही बैठेगा एक जगह। ये विकार है क्षेत्रों का, तो विकार तो है क्षेत्रों का साथ ही विकार बैठा हुआ है, तो ठीक है। इसीलिए इसको भी ये सब विकार जो है इसको भी एक साथ माना गया, अर्थात क्षेत्रों का अंतर्गत विषय है ये माना गया। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि रव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचो चेन्द्रियो गोचरः इच्छादेशः सुखम दुखम दुःखम संघात चेतना धृति। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदायतम, भगवान खुद बताया विकार को भी क्षेत्रों का जो जो एक्सप्लेनेशन है व्याख्या है इसका अंदर में लेना चाहिए, अलग से नहीं। ऐसा करके थोड़ा व्याख्या किया, भागवत में भी भागवत का तीसरा हमने पहले ही बात को उठाया था जो कपिल जी महाराज अपना तीसरा स्कंद में है, कपिल जी महाराज जो शंख जो का व्याख्या किए, इधर भी ये सब चीज इधर भी ये सब चीज़ है। कपिल जी महाराज का थोड़ा वाक्य उठा के अगर विचार करे तो देखे पंचभी पंचभी पंचभीर ब्रह्मो चतुर्भीर दशभिस तथा एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्रधानिकम विदुहु महाभूतानि पंचैवो भूमिरापो अग्निर मरुन्नभ तन्मात्राणि च तावन्ति गंधादीनि मतानि में
इंद्रियाणि दशश्रोत्रम हैं तब दृग ग्रसनो रसनो नासिका वाक करो चरणों मेड्रम पायुर दशमम उच्चते मनोबुद्धि अहंकार चित्तम इति अंतरात्मकम चतुर्धा लक्षते भेदो वृत्ता लक्षण रूपया। ये सारे भगवान ये सब हमने चर्चा किया अभी। इसमें विशेष ये है लास्ट जो लाइन है इसमें मनोबुद्धिर अहंकार चित्तम इति अंतरात्मकम अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार इसको सूक्ष्म शरीर का अंदर बताया गया। ये सूक्ष्म शरीर में आता है। सूक्ष्म शरीर का कंस्टिट्यूएंट जो है सूक्ष्म शरीर का जो गठन है इसमें मनोबुद्धि अहंकार चित्तम इति अंतरात्मकम ये चार को अंतरात्मा बताया गया। अंतरात्मा मतलब इसको सूक्ष्म शरीर चतुर्धा लक्षते चार किस्म का दिखाई पड़ता है लेकिन एक क्रियाक्रम का अनुसार चार किस्म का भेद दिखाई पड़ता है लेकिन मानो तो एक ही है। एक ही सूक्ष्म शरीर है। एक ही सूक्ष्म शरीर है लेकिन इसको चार किस्म का देखा जाए चतुर्धा लक्षते भेदो वृत्वा लक्षण रूपया। आई बात समझ में। चतुर्धा लक्षते चार किस्म का दिखाई पड़ता है भेदो वृत्वा अकॉर्डिंग टू उसका जो वृत्ति है। चतुर्धा लक्षते भेदो वृत्वा लक्षण रूपया इसका वृत्ति का जो लक्षण है इसी मुताबिक चार किस्म का दिखाई पड़ता है सूक्ष्म शरीर अंतकरण का लेकिन मानो तो एक ही है। अंतकरण एक ही है चतुर्धा लक्षते चार विभाग दिखाई पड़ता है। याद है ना पहले चर्चा किया मन चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्तों का काम है खिंचावट खींचना। मैं किसी चीज को देखा अच्छा चिपक गया कैमरा का मान चित्त और उसका तस्वीर मन में आया। मन का काम है संकल्प विकल्प इसका बारे में संकल्प संकल्प इसको प्लान प्रोग्राम बनाए उसको तोड़े प्लान प्रोग्राम बनाए संकल्प विकल्प। और अगर निर्णय बुद्धि का काम है निर्णय लेना। बुद्धि डायरेक्टर है मुक्ति निश्चय करता है इसको चाहिए। मन में लोभ पैदा हुआ बुद्धि निश्चय किया और कैसे प्राप्त किया जाए इसका विचार विश्लेषण भी डायरेक्टर जो है मन बुद्धि है इसका काम है। तो चित्तों का काम एक है मन का काम एक है बुद्धि का काम एक है और अहंकार अगर नहीं रहे तो कौन जीने का कोशिश करे। अहंकार नहीं है तो जीने का कुछ का मकसद ही नहीं है। लेकिन ये अहंकार में दो भाग है एक है पक्का अहंकार एक है कच्चा अहंकार। एक है पक्का अहंकार ये पक्का अहंकार के बारे में गुरु वैष्णव भगवान शास्त्रों बहुत सारे सिखाया समझाया जे भगवान तुम्हारा है और कोई नहीं है तुम्हारा। गुरु वैष्णव भगवान ये तुम्हारा है बाकी दुनिया का साथ रिश्तेदारी कुछ भी संयोग है ये तात्कालिक है। ये जो संयोग बना के बैठे हुए हो ये तात्कालिक है ये जाना ही है। तो बुद्धिमानी जो चीज़ मेरे को छोड़ के जाने वाला है कुछ नहीं रहेगा। जो चीज़ें हैं वो मेरे को छोड़ के जाने वाला है जाएगा ही जाएगा वो रहने वाला चीज़। तो बुद्धिमानी इसी में है क्यों ना मैं ही छोड़ दूँ ये सब हमको छोड़े इसका पहले बुद्धिमानी ये कि मैं ही छोड़ दूँ। तो ये जो अहंकार है इसमें पक्का अहंकार जो है मैं भगवत भक्त हूँ भगवान का सेवा करना ये तो जरूरी है। सारे अहं तत्व तो संकर्षण से आता है चित्तो वासुदेव है मन अनिरुद्ध
है मन अनिरुद्ध, मन बुद्धि चित्त है बुद्धि बुद्धि संकर्षण है ये वासुदेव संकर्षण प्रद्युन्न वासुदेव है, ऐसा करके चार इंद्र अधिष्ठात देवता रूप में भी इसका स्थिति है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युन्न अनिरुद्ध चार जो चतुर्भुव है ना, चतुर्भुव का तरह तरह का विचार है। एक है मूल है ना गोलोक वृंदावन में सेतुद्वीप में, उसका बाद नीचे वैकुंठ जगत में भी चतुर्भुव हैं है ना, ये सब चर्चा हुआ है बहुत बार। तो ये जो अहं तत्व तो है, ये कच्चा अहंकार जो है इसमें एक मैजिक स्पेल है। क्यों मैजिक स्पेल है बोले, ये अगर नहीं रहता तो कौन जीने का लिए भागा दौड़ी करता। अहंकार है ना, मैं उसका पत्नी हूं, मैं उसका पति पति हैं हैं पति, ऐसा करके हमारा लड़का हमारा लड़की हमारा दो सारे जो रिश्ता जितना सारे बने हुए हैं जो लिंक बने हुए हैं, मैंने भाटिंडा में बात करते हुए बताया था ना ये कैसा अजीब सा लिंक है, हैं कच्चे धागे का भी लिंक नहीं, ये कैसा लिंक है, कोई बंधा हुआ नहीं है, मेरे भाग के घर जाना ही है, सारा दिन दौड़ा दौड़ी करो भागा दौड़ी, लेकिन रात को एक खिंचावट है घर में जाना है। ये जो है वो अदृश्य है, हैं इनविजिबल, वो दिखाई नहीं पड़ता, एक बंधन है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये बंधन जो है सबसे तगड़ा बंधन है, दिखाई तो नहीं पड़ता। शीकल का बंधन हो तो लोहे से लोहे को लोहे से कटा जाए, इस्पात से कटे कट देंगे, धागे का बंधन है तो वो भी काट देंगे, कुछ भी बंधन है तो काटा जाए, लेकिन ये बंधन कैसे काटा जाए, ये बंधन को काटना जरूरी है लेकिन इम्पॉसिबल है, और तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहे तो और अच्छा है। असंभव की बात कोई अगर वर्ड है डिक्शनरी में तो ये लगाया जाए तो ये भी सच्चा है, इतना बड़ा बंधन है। तो ये जो है इसका बारे में कपिल जी महाराज मैया को अपना देवावती मैया को बताई बताया, जो चार किस्म का ये अहंकार अगर नहीं रहता तो कौन अपने को अध्यापक मानता, कौन अपने को डॉक्टर मानता, कौन अपने को पत्नी मानता, किसी का बच्चा मानता, ये असंभव है। सारे जो लिंक है एक अदृश्य नेटवर्क है, इनविजिबल नेटवर्क है, इसके द्वारा सब लिंक है। और भूतों का मापिक, भूत जैसा नाचता है ना, भूत जैसा नाचता है, ये भूतों का मापिक सारे नच रहा है, इसका कोई रास्ता नहीं है। एक शास्त्रों का विचार छोड़कर, शास्त्रों का विचार साधुगुरु वैष्णव का विचार छोड़कर दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आर कबे निताई चादेर करुणा हईबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे, लिखा हुआ है ना। निताई चाद मतलब निताई चाद का साथ गुरु वैष्णव की गिनती में आएगा, क्योंकि ये अभिन्न है ना, निताई चरण सत्व, निताय का चरण सत्य वस्तु है, निताय चरण सत्य तहारो सेवक नित्य, तार सेवक नित्य निताय चरण, निताय चरण सदा करो आस। ये कैसा बंधन है, ये बंधन को तोड़ना जरूरी है। इसीलिए क्षेत्रों क्षेत्रों के बारे में जो से चर्चा हो रहा है इसमें बड़ा ध्यान देके इस विषय में श्रवण करना जरूरी है, और हल्का फुल्का श्रवण करे और एक कानों से घुसे दूसरे का, और तो हमारा कुछ करने का है नहीं। जो भी है चलो आज यहाँ तक कथा का विश्राम दे, यहाँ बताया गया अतः दुस्संगम सृज्यो सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, क्यों, क्योंकि संत एव अस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी, उक्ति भी मतलब प्रवचनादि भी। बुद्धिमान व्यक्ति, अतः बुद्धिमान व्यक्ति दुस्संगो छोड़कर, दुस्संगो छोड़कर
साधु का संग करे, वास्तव साधु का, इन द नेम ऑफ साधु संग और साधु संग, तो हमारा करने का कुछ नहीं है। क्यों संत संग करे? मेरे संतो एवं छिंदंती मन व्यासंगम उक्ति भी, जितना सारे व्यासन है इसको काट के फेंक दे। कैसे? प्रवचनादि भी, अपना हरिकथा कीर्तन के द्वारा, प्रवचनादि भी हरिकथा कीर्तन के द्वारा दूसरे का अंदर में जो बंधन है उसको काट के ये फेंक दें। इसीलिए साधु संग बड़ा जरूरी है, और साधु संग करने से ही ये सब हरिकथा सुनो, विचार करो बैठे बैठे, आए हरिकथा सुना उसका बाद दूसरा काम में लग गया, हम क्या करें, भूल गया। तो अतः दुस्संग सृज सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एव स्वच्छिंदी मन व्यासंगम उक्ति भी वाछा कल्पद्रुवश्च के बासिंद भविष्य पतितानं पावन भविष्य भ्यो नमो नमः।